कैल्शियम का कम रहना बहुत घातक होता है। हर दो महीना पे एक बार बीमारे पड़ते रहेंगे, एक घंटा में पांच बार सूतेगा वो। और ये बिहार और झारखंड यूपी इस बेल्ट में बाई नेचुरल कम है, इसलिए देखिएगा यहाँ हम लोगों में भी डिफिशियंसी डिजीज होती है। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है किसी कमी के कारण होने वाला रोग, किसी चीज के कमी के कारण होने वाला रोग। कमी के कारण कैसे रोग होगा? तो जैसे जिंक की कमी हो जाए हम लोग को, तो इंसुलिन नहीं बनेगा और हम लोग को शुगर रोग हो जाएगा। उसी तरह आयोडीन की कमी हो जाए तो हम लोग को घेगा रोग हो जाएगा। तो इसी कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज। हम आपको पढ़ाए हैं आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। महिलाओं में देखिएगा आयरन की कमी रहेगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जहां हीमोग्लोबिन कम हो गया, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कौन कराता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा सुतेगा। देखिएगा ना, कई कई दिन भर सुते रहे, जब देखो आधा घंटा एक घंटा में पांच बार सुतेगा वो, जबरदस्ती अपने आप को जबरदस्ती उठाएगा। अब महिलाओं में ये ज्यादा होता है, तो हीमोग्लोबिन चेक करा लो, ब्लड लेना, ब्लड से निकल हीमोग्लोबिन चेक करा, सीबीसी ही करा लो, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, समझेगा? इसी बी सी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक नहीं काउंट, उसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ये सारा चीज कर देता है, सीबीसी करा लो, हो गया। मेनली हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन पढ़ा दिए, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो फिर मन नहीं लगेगा आपको। प्लेटलेट कम रहेगा तो थके थके से रहेंगे, प्लेटलेट कम रहेगा तो क्या रहेगा? थके थके से रहेंगे। और डब्ल्यूबीसी कम रहेगा तो हर दो महीना पे एक बार बीमारे पड़ते रहेंगे। तो ये सब चीजें बॉडी क्या रहनी चाहिए? स्ट्रांग रहनी चाहिए। नहीं तो फिर वही हीमोग्लोबिन का लंबे समय तक कमी रहना या फिर कैल्शियम का लंबे समय तक कम रहना बहुत घातक होता है। और ये दोनों लड़कियों में कम पाया जाता है। और ये बिहार और झारखंड यूपी इस बेल्ट में बाई नेचुरल कम है, इसलिए देखिएगा यहाँ कोई भी महिला अगर देखेंगे ना, अगर वो 50-55 क्रॉस कर रही है ना, गाँव की महिला है, झुक जाएगी ऐसे। आप देखिएगा ना, झुकी हुई मिलेगी आपको बिहार। अब वही पंजाब में चलिए, वहां महिला पटक देगी आप ही को उठा के। आप हेल्दी रहते हो लोग यहाँ पर, नहीं समझे? आप पंजाब से यही की है, तब ठीक है यहाँ पे। आगे बढ़ते, सर पढ़ने का पैसा मिल ही नहीं रहा है, सीबीसी चेक कराएंगे। बात तो सही है, आप होता है बाबू ऐसा कभी कभी। हाँ अरे हो गए, डेंगू में ना फल वल बड़ी खाया जाता है, हाँ कीवी फल सेब इसे बड़ी खाया जाता है। आसिफ जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो मेरे एक दोस्त को डेंगू हो गया था, तो उसको जब हम फल खाते देखे ना, तो हम बस इसलिए मना रहे थे कि डेंगू मत हो, इतना फल कहाँ से खरीदाएगा, इसलिए नहीं दवाई हो, इतना फल कहाँ से खरीदाएगा, फल बड़ी महंगा मिलता है।